हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। वैसे तो यार मैं इंट्रो बनाता नहीं और इतना यार प्रवचन देता नहीं, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। लेकिन आज यार है हैप्पी दशहरा, तो इसलिए सोचा कि आप लोग को यार दशहरा विश कर देता हूँ। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। और आप लोग आज कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं तो यार आज जाने वाला हूँ सेक्टर 4 और बहुत यार वहाँ पर मज़ा करूँगा। वहाँ पर आज रावण का पुतला जलने वाला है। क्या आपके तरफ भी रावण का पुतला जलता है और आप जाते हो देखने? मैं तो यार जाता हूँ क्योंकि किसी के साथ यार जाना पड़ता है। आप कमेंट में गेस कर सकते हो कि मैं किसके साथ जाता हूँ। मुझे तो मन नहीं करता, लेकिन जब उसे मन है तो यार मुझे भी जाना पड़ता है दिखाने के लिए। तो हमारा पहला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन की तरफ से। तो कल डिटेक्टिव कोनन का मूवी 1 आया था, जिसका नाम था द टाइम बॉम्ब स्काई स्क्रैपर। और ये शाम के 5:30 बजे आया था। और जो यार ये मूवी थी ना, मुझे तो यार काफ़ी ज़्यादा यार पसंद आई। और इस मूवी का जो यार पोस्ट क्रेडिट सीन था वो भी दिखाया गया था, जो कि हिंदी में था। और जो मूवी की कहानी थी वो भी यार काफ़ी बढ़िया थी। जैसे कि यार जो पहला बम होता है वो होता है बच्चों के प्लेन में, दूसरा जो बम होता है वो होता है एक बैग में जिसमें एक बिल्ली रहती है, और तीसरा जो बम होता है वो होता है ट्रेन का पटरी पर। मतलब यार क्या यार था। और जो चौथा बम है वो रहता है यार एक बिल्डिंग में। मतलब यार मजा आ गया था देखकर। हिंदी डबिंग की बात करूं तो हिंदी डबिंग भी यार कमाल की थी। सिर्फ मुझे यार 2 लोगों की वॉइसेस ना अच्छी नहीं लगी। पहला सुनोको का। अगर आपने डिटेक्टिव कोनन के एपिसोड्स देखे होंगे तो एपिसोड्स में सुनोको को डब करती है सुष्मिता बैनल, और उसकी वॉइस भी यार सूट करती है सुनोको के ऊपर, क्योंकि उसका एज भी यार उसी के आसपास है। लेकिन कल जो मूवी आई थी उसमें सुनोको को डब किया था सबीना मौसम मलिक ने, और मुझे यार उसकी वॉइस थोड़ा और टाइप का लग रहा था, मतलब सूट नहीं कर रहा था मेरे हिसाब से। और जो दूसरी वॉइस जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो लगी सीरा तोरी की। मतलब यार सिनिची में भी सेम वॉइस, वो जो इंस्पेक्टर है सीरा तोरी उसमें भी सेम वॉइस, तो यार दोनों वॉइस बिल्कुल सेम जैसा लग रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी यार पसंद नहीं आया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन दोनों वॉइसेस के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स थे सब में जो वॉइसेस थी बिल्कुल परफेक्ट थी। और बात करूँ सेंसरशिप का, तो सेंसरशिप भी यार ना के बराबर था। हाँ कहीं कहीं पर कुछ सीन्स यार काटे गए थे, लेकिन यार सेंसरशिप बहुत 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 ही ज़्यादा कम था। और आपको बताना चाहूँगा कि ईटीवी बाल भारत पर एक न्यू एनिमे शुरू हो चुका है जिसका नाम है रोंजा। और ये ईटीवी बाल भारत पर आती है दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन से लेकर। तो जो ननामी के वॉइस एक्टर है उन्होंने अपने फैंस को गुड बाय बोल दिया है। मतलब उन्होंने अब इस कैरेक्टर की डबिंग करना बंद कर दिया है। और वो क्यों किया है जो मांगा रीडर से उन्हें अच्छे से पता होगा। और मैं चाहूँ तो यार आपको वो बात भी बता सकता हूँ कि क्यों किया, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि भाई आपने स्पॉइलर दे दिया। तो स्पॉइलर नहीं दूंगा। जिनको नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में गेस कर सकते हो। हमारा अगला अपडेट है क्रंचीरोल इंडिया से लेकर। क्रंचीरोल इंडिया के न्यू हिंदी डब एनिमे से लेकर, तो अब क्रंचीरोल इंडिया पर स्ट्रीम हो रहा है सेंगरी ला फ्रंटियर, और इसका सीजन 1 का एपिसोड 1 हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है। और साथ ही में आपको मैं इसके हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। तो इसमें संचित वर्तक ने डब किया है सन राकू को, इसमें केतन कावा ने डब किया है रकूरो को, और इसमें दिपिंती भोवास्कर ने डब किया है राई साइगा को। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन शिबुया इंसिडेंट आर्क से लेकर। तो ये शुरू होने वाला है 27 अक्टूबर को हर फ्राइडे के दिन सुबह 2 बजे। हमारा अगला अपडेट है लेड बैंग कैंप एनिमे से लेकर। तो इसका सीजन 3 का न्यू की विजुअल रिवील हो चुका है, और ये प्रीमियर होने वाला है अप्रैल 2024 में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है सेकेंड घोस्ट इन द सेल, और इसका भी यार एनिमे का न्यू विजुअल यार रिलीज हो चुका है। साथ ही में जो इसका ट्रेलर है वो भी रिवील हो चुका है, और ये आने वाला है नवंबर में। हमारा अगला अपडेट है टोई की तरफ से। तो टोई ने बनाया है एक वर्चुअल गर्ल यूजिंग AI टेक्नोलॉजी, जिसका नाम रखा गया है लीसा। और जो ये कंपनी है इसने लीसा को जो बनाया है वो एक वर्चुअल कैरेक्टर है, और ये क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया अकाउंट पे,
और ये इंग्लिश और जापानीज भाषा को जानती है और ऐसा माना जा रहा है कि ये लोगों की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। टोई ने रिवील किया है इसको और इसका जो एक टीजर है वो भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से ये काम करेगी। हमारा अगला अपडेट है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया पर बहुत सारे न्यूज और न्यू एनिमे आने वाले हैं, जैसे कि टीन टाइटन्स गो वेलकम टू हेलोवीन, ये आने वाला है अक्टूबर 31 को ट्यूसडे के दिन रात के 7:30 बजे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल जी की मूवी आने वाली है 28 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे, जिसका नाम है फ्यूजन रिबॉर्न, जिसमें गोकू और वेजिटा फ्यूज करके बन जाते हैं गोजीटा। तो अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आपके पास एक मौका है इसे देखने का। हमारा अगला अपडेट है माय हीरो एकेडमिया से लेकर। तो माय हीरो एकेडमिया का सीजन 3 शुरू होने वाला है अक्टूबर 29 को संडे के दिन दोपहर 1 बजे। और आप में से कुछ लोग मुझसे माय हीरो एकेडमिया के रिपीट टाइमिंग अपडेट के बारे में पूछ रहे थे, तो आपको बता दूं कि इसका रिपीट टेलीकास्ट होता है मंडे टू फ्राइडे रात के 8 बजे। तो रात के 8 बजे आप इसे देख सकते हो। हमारा अगला अपडेट है हेलोवीन इवेंट से लेकर, जो कि शिबुया में होता है। तो इसको यार बैन कर दिया है इस साल, क्योंकि यार जब ये इवेंट होता है तो बहुत सारे लोग, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, इतना ज़्यादा यार भगदड़ होता है कि कुछ लोगों की यार वहाँ पर यार मतलब दिक्कत होती है और भी बहुत कुछ होता है, तो इसलिए इसे इस साल बैन कर दिया गया है। हमारा अगला अपडेट है टू बी इंडिया से लेकर, जो कि एक शायद ऐप है जहाँ पर आप फ्री में बहुत सारे एनिमे को देख सकते हो। और कौन कौन से एनिमे वहाँ पर आप देख सकते हो उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। हमारा अगला अपडेट है डैट टाइम आई गोट रिकार्नेटेड एज ए स्लाइम विजन्स ऑफ कॉलियस, और ये प्रीमियर होने वाला है नवंबर 1, 2023 को। हमारा अगला अपडेट है निंजा बॉय रंतारो से लेकर, जो कि सोनी ए चैनल पर बहुत जल्द आने वाला है और ये 4 भाषा में आएगा, शायद ये 5 भाषा में आएगा, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली। हमारा अगला अपडेट है द लिटिल मास्टर बेटर लाइफ से लेकर, तो जो ये एनिमे है ये प्रीमियर होने वाला है अक्टूबर 24 को। हमारा अगला अपडेट है वंडर वुमन की मूवी से लेकर 2017 वाली, जो कि स्टार गोल्ड पर आने वाली है, स्टार गोल्ड थ्रिल्स पर, और ये आने वाली है अक्टूबर 29 को दोपहर 12 बजे। हमारा अगला अपडेट है नागपुर एनिमे क्लब से लेकर। तो यार आपको यकीन नहीं होगा कि कार्टून नेटवर्क इंडिया का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज अब उसे फॉलो कर रहा है, और जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर होने वाला है इवेंट जहाँ पर गोकू और लूफी के वॉइस एक्टर आने वाले हैं, बेन एफ टीवी आने वाला है और रामायण का जो एनिमे मूवी है उसका स्क्रीनिंग भी होगा और भी बहुत कुछ होगा। तो अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो, टिकट बुक कर लो। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है दिल्ली एनिमे इवेंट से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ पर गोकू के और लूफी के हिंदी वॉइस एक्टर गए थे और वहाँ पे जो फैंस है यार उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उनका ऑटोग्राफ ले रहे थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब कि यार बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल का हुआ था वो, और जो नागपुर वाला है वो भी शायद ग्रैंड लेवल का ही होगा। We'll be right back.